मित्रों, आज की प्रस्तुति बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे पांच कौन से लोग हैं जिनसे परमात्मा हमेशा नाराज रहते हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, चाहे आप नाक रगड़ ले, चाहे जमीन पर क्यों ना लेट जाएं, फिर भी ईश्वर इन पांच लोगों का कभी साथ नहीं देता। अगर आप भी इसमें शामिल हैं, तो जान लीजिए दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि ईश्वर उसकी सुने। हर दुख तकलीफ में अगर हम आवाज लगाते हैं तो ईश्वर को ही लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ईश्वर गलती से भी नहीं सुनता, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी तुरंत सुन लेता है। तो ऐसे में जानते हैं आखिर वो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी ईश्वर गलती से भी नहीं सुनता। आइए जानते हैं ऐसे पांच लोगों को जिनसे ईश्वर हमेशा खपा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, नंबर एक, जो लोग दूसरों के प्रति भला नहीं सोचते और अपना ही भला करते रहते हैं, तो उनकी ईश्वर गलती से भी नहीं सुनता। खुद का भला करना एक ना एक दिन उसका सर्वनाश अवश्य होता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। इसलिए मित्रों, हम लोगों को एक दूसरे का भला करना चाहिए, तभी ईश्वर हमारी भलाई करेंगे। नंबर दो, कई लोग ऐसे हैं जो स्त्री का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता, उसको कभी मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता, और ना ही ऐसे लोगों की ईश्वर कभी सुनता है। इसीलिए मित्रों, स्त्री का सम्मान करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मित्रों, नंबर तीन, माँ बाप ईश्वर का रूप है। जो व्यक्ति माँ बाप को अपना नहीं समझता और उन पर अत्याचार करता रहता है, तो एक ना एक दिन उसका सर्वनाश अवश्य होकर रहता है। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए नरक में अलग से प्रावधान है। इसीलिए मित्रों, अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनकी हमेशा बात माननी चाहिए, इसी में भलाई है। नंबर चार, गरीबों पर अत्याचार करना और नेकी का साथ ना देना, यह भी सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों की ईश्वर कभी नहीं सुनता। वही जो व्यक्ति अन्न का अपमान करता है, उसको अगले जन्म में गरीबी का सामना करना पड़ता है। मित्रों, नंबर पाँच, अगर आप गलत करते हुए भी उसको गलत नहीं मानते, तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा पाप और अपराध है। वही जो व्यक्ति सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है, तो उसकी ईश्वर गलती से भी नहीं सुनता। ऐसे लोगों को दंड अवश्य मिलता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करेंगे कि आप इन पांच लोगों में से नहीं होंगे। और मित्रों, इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें माया लोक यूट्यूब चैनल को, और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली नॉलेज बेल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।